Hello everyone today we'll discuss the follow up questions of the topic describe a plant that you are familiar with our first question is do people in your country like to grow plants ki country mein plants grow karna people of my country love to grow, grow plants ki mere desh plants pasand many people are growing plants on their terrace कन्वर्टिंग द प्लेस इन टू टेरिस गार्डन कि कई लोग तो अपने घर की छतों पर प्लांट्स उगा रहे हैं और उस एरिया को टेरिस गार्डन बना रहे हैं जिस टेरिस पे बहुत सारे प्लांट्स हो उसको टेरिस गार्डन बोलते हैं एंड ऑल्सो प्लांट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद द फ्लावर्स फॉर डेकोरेटिंग परपजेस और इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल तो उगाते हैं और फ्लावर्स भी उगाते हैं डेकोरेटिंग परपजेस के लिए अपने घर को और सुंदर बनाने के लिए डू ओल्ड पीपल ग्रो प्लांट्स क्या ओल्ड पीपल हैं जो जिनकी उम्र में जो बड़े हैं क्या वो प्लांट्स उगाते हैं येस दे लव टू दे हैव अ वास्ट नॉलेज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स की जो बूढ़े लोग हैं उनको उनको प्लांट्स ग्रो करना बहुत पसंद है और उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज भी है वास्ट नॉलेज है किसके बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स के बारे में वन ऑफ माई मेटरनल आंट इज़ इन लव विद गार्डनिंग मटरनल आंट वो होती हैं जो मम्मा साइड वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं उन्हें हम मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं कि मेरे मैटरनल आंट हैं एक उनको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है शी हैज़ डेकोरेटेड हर होम विद डिफरेंट फ्लावर्स उन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के साथ हाउ डू स्कूल टीच स्टूडेंट्स टू ग्रो प्लांट्स कि स्कूल कैसे सिखाता है बच्चों को कि प्लांट्स कैसे उगाते हैं आई रिम्बर वन आई वॉज़ इन स्कूल कि मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी द अथॉरिटीज़ यूज टू हैव अ सेमिनार एंड अ डिफरेंट पीरियड वंस अ मंथ फॉर टीचिंग गार्डनिंग टू चिल्ड्रेन की अथॉरिटीज़ जो थी वो सेमिनार्स लगवाया करते थे और एक डिफरेंट पीरियड भी हुआ करता था महीने में एक बार जो बच्चों को ये सिखाता था कि गार्डनिंग कैसे करते हैं मोस्ट ऑफ़ द स्कूल डोंट पे अटेंशन टू सच थिंग्स कि कई स्कूल इस गार्डनिंग uh, की तरफ इतना ध्यान नहीं देते कि बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए बट इट्स गुड टू टीच स्टूडेंट हाउ टू ग्रो प्लांट्स लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि कैसे उगाते हैं क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए वट इज़ द मेन प्लांट इन योर कंट्री ऑल सॉर्ट ऑफ प्लांट्स ग्रो इन इंडिया कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर हर तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं ग्रो किए जाते हैं इट्स हार्ड टू सिलेक्ट वन बट बेसिल इज द मेन आई थिंक कि उनमें से एक को सिलेक्ट करना मुश्किल है लेकिन बेसिल मुझे लगता है मेन है बेसिल क्या होता है तुलसी बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल बेनिफिट्स क्योंकि उसके मेडिकल बेनिफिट्स है बेसिली यूज़ टू क्योर कफ कोल्ड एंड फीवर जो तुलसी है वो खांसी जुकाम और फीवर को क्योर करने में मदद करती है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वर्शिपिंग गॉड और इसके जो पत्ते हैं वो गॉड की पूजा में भगवान की पूजा में भी यूज़ किए जाते हैं थैंक यू